अच्छा अब हम चल रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के, सबसे पहले बोला एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है? एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। इसको जाहिर करते हैं किस तरह? इस सिंबल से जाहिर करते हैं। ठीक है, या इस सिंबल से जाहिर करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स नहीं होते। क्या ये वाला सेट एक एम्प्टी सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, इसमें एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट होगा तो इस तरह जाहिर करेंगे या इस तरह। ये सिंबल, इसको कहते हैं फाई, इस सिंबल को पढ़ते हैं फाई। या तो इस तरह जाहिर करो, देखो ये एक सेट बना हुआ है, इससे कुछ एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको, तो ये कहलाके एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब खाली सेट। या इस तरह जाहिर करो, एग्जाम्पल देखो, बोला इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर पता है तो कौन सा होगा? 0 होगा, कोई नंबर तो नहीं होता ना, ये इंटीजर तो नहीं होगा ना, ये डेसिमल हो जाएगा, इंटीजर तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या होगा? बी सेट क्या है? एक एम्प्टी सेट है। हैं, हाँ, मैंने बी सेट, उसने बोला इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 होगा के दरमियान इंटीजर नंबर पता है, इंटीजर नंबर तो 0 होगा के दरमियान कुछ नहीं होगा, तो उस तो बी सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, कोई नंबर ही नहीं है, एम्प्टी सेट होगा ना ये। या मैं यूँ कहूँ, या मैं यूँ कहूँ कि मैं मिसाल के तौर पर चलो अभी फिलहाल इसी ध्यान में रखो, ये बस एम्प्टी सेट एग्जांपल अभी ध्यान में नहीं आ रही, अभी फिलहाल ये समझ आ रही बात। एम्प्टी सेट में ऐसा सेट होता है जिसका आप जब कोई सेट बनाना चाहो तो कोई सेट, कोई एलिमेंट ना निकले, कोई एलिमेंट ना निकले। मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है, नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यू चलेगा, ये कहलाता है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, और मैं कहूँ 1 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो उसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर होते ही शुरू 1 से होता है, 1 से छोटा तो एम्प्टी सेट तो हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। समझ आई? इसी तरह एक है, अब आ रहा है फाइनाइट सेट क्या होता है। अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट्स जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो फाइनाइट हों। फाइनाइट का मतलब उसकी हद हो, एक लिमिट हो, समझ आ रही बात है? उसकी एक हद हो और लिमिट हो, तो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। अब एग्जांपल दिए, देखो बोले सी, एग्जांपल बोला सी एक सेट है जिसके एलिमेंट को जाहिर करें एक्स है, एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, और लेस देन 20। ठीक है, तो आप देखो 1 स्क्वायर नंबर है, 1 1 7, 2 2 2 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16। ठीक है, स्क्वायर नंबर 20 से छोटा, 20 से छोटा होगा, अब इससे 4 से आगे जाएंगे तो 5 5 25, जब वो 20 से बड़ा हो जाएगा। हमें 20 से छोटे स्क्वायर नंबर का सेट बनाना था, हमने बना लिया 20 से छोटे स्क्वायर नंबर का सेट बना लिया। ठीक है, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जो आगे कंटिन्यू जा ना रहा हो, रुक जाए, जो आगे रुक जाए। जैसे मिसाल के भैया हमारा जो सेट था 1 2 3 4 5, इसकी लिमिट क्या है? 5 5 पर रुक गया। ठीक है, इसके एलिमेंट कितने हैं? 5। इसके नंबर्स कितने हैं? 5। तो कहलाएगा फाइनाइट सेट। ये कंटिन्यू चल तो नहीं रहा ना आगे, 5 6 7 कंटिन्यू चल नहीं रहा। हमने बोला भाई कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बनाओ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 5 तक आएंगे। अगर हम बोलते हैं ओनली एक सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट अगर बोलते हैं, तो हम यहाँ पर कॉमन डाल के डॉट 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 डाल देते हैं। इसका मतलब कंटिन्यू चल रहा है वो पूरा, वो रुक नहीं रहा, तो वो फाइनाइट सेट नहीं कहलाता।
फाइनल चार्ट होता है किसी भी लिमिट आ जाए बंद हो जाए, हाँ भाई ये क्या शो हो रहा है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का सेट, ये फाइनल सेट है, ये क्या शो हो रहा है, एक्स एक यानी स्क्वायर नंबर कितने, ऐसे स्क्वायर नंबर जो लेस देन 20 है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर नंबर का सेट है जो लेस देन 20 है, रुक गए तो ये कहलाएगा वो फाइनल सेट, ठीक है। अब है इनफाइनाइट सेट, अब आएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है भाई, इनफाइनाइट सेट क्या है, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट ना हो वो इनफाइनाइट है। मिसाल के तौर पर बोला एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, एक्स इज ग्रेटर देन 10 है, 10 से बड़ा जितने इंटीजर है वो लिख दो। आपने डी सेट बनाया, 10 से बड़ा क्या होता है, 11 होता है, 12, 13, 14, अभी आगे उसने बोला ऐसा सेट बनाओ जो ग्रेटर देन 10 हो, ग्रेटर देन 10 तो और वो इंटीजर्स भी हो, ग्रेटर देन 10 और इंटीजर्स क्या होगा, 11, 12, 13, 14, 15 और कॉमा डाल के बाद इतना आ रहा है डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू चल रहा है, इसी को लिमिट तो हमें पता है, इतने कहाँ तक लिमिट है, लिमिट तो नहीं पता ना इसकी, इसकी हद नहीं पता, ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसमें लिमिट पता चल रही है, 16 पर जाके रुक गया, ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। और इसमें लिमिट पता नहीं चल रही कहाँ पर जा रहा है, इसकी हद नहीं पता, इसकी बाउंड्री नहीं पता चल रही है, ये कंटिन्यू चल रहा है डॉट डॉट डॉट, मतलब जा रहा है कंटिन्यू, तो ये कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, समझ आई बात, फर्क समझ में आया। अब आता आपके पास डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट। देखो ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसका एलिमेंट क्या है 2, 3, 4, ये एक सेट है F, इसका एलिमेंट क्या है 5, 6, 7, क्या इनमें कोई एलिमेंट मैच कर रहा है, 2 इसमें F, ई सेट में 2 है और F सेट में 2 है भाई, ई सेट में 3 है, F सेट में 3 है नहीं, ई सेट में 4 है, F सेट में 4 है नहीं, F सेट में 5 है, ई में 5 है नहीं, F सेट में 6 है, ई में 6 है नहीं, F सेट में 7 है, ई सेट में 7 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो ये कहलाएगा डिसजॉइंट सेट्स। समझ आ गई, आसान है। अब है ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट डेफिनेशन क्या है, सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है, तो वो क्या लाएगा आपका, क्या ओवरलैपिंग सेट। अब देखो ये जी एक्स सेट है, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, एच एक्स सेट है, इसका एलिमेंट है 2, 3, 4, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, 2, 3 इधर भी है, 2, 3 इधर भी है, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, ऐसा सेट्स इसके दोनों जिनमें, ऐसे सेट्स जिनमें जिन दोनों सेट्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो, इस इन दोनों सेट्स में 2 और 3 दो एलिमेंट कॉमन है, दो एलिमेंट कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट्स। समझ आई। अब है इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ऐसे दो सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, इसमें ये जे सेट है, के एक सेट है, जे सेट में एलिमेंट कितने हैं, 3, के सेट में एलिमेंट कितने हैं, 3, लेकिन इनके एलिमेंट एक जैसे हैं, अलग अलग है ना, ये लिखा हुआ 1, 3, 4 ये नंबर है और ये ABCD अलग अलग, लेकिन एलिमेंट की तादाद इक्वल है, एलिमेंट की इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये कितने हैं 3, ये भी कितने 3, हम कहेंगे जे और के इक्विवेलेंट सेट। समझ आई, ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, याद रखना। इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या होता है, क्या कंडीशन है इक्विवेलेंट सेट की, दोनों सेट्स के नंबर इक्वल होने चाहिए, इसमें अगर 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट हो, इसमें अगर 4 एलिमेंट है इसमें भी 4 एलिमेंट हो, और एलिमेंट डिफरेंट हो या सेम हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता,
डिफरेंट हो, ठीक है, इधर पर नहीं पता सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है, समझ आ गई बात। ये अब एग्जाम्पल इन्होंने रिकॉर्ड दिए, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8, ठीक है। बी सेट बोला नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, 9 से छोटे नेचुरल नंबर कितने होंगे, 8, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए। प्लैनेट सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने हैं, 8, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की तादाद कितनी है, 8, मार्स है, जुपिटर है, दूसरे, ठीक है। इसी तरह नेचुरल नंबर जो है 9 से छोटे कितने होंगे, 8 होंगे, 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, तो 8, तो हम कहेंगे ए सेट और बी सेट क्या है आपस में इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। ये भी 8 आ रही, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 8, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 8, समझ आई। अब है इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स। अब देखो एल एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, ठीक है, और एम एक सेट है, एम एक सेट है जिसके बोल रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है, यानी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, और एक्स लेस देन 7 है, तो क्या आंसर आएगा इसका। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट्स को लिखने के तीन फॉर्म बताए थे ना, तीन तरीके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको तुम टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से आएगा, टेबुलर में जरूरी थोड़ी क्या 1, 2, 3, 4, 5, इस स्टेट्स को देखो ना, टेबुलर में उस शक्ल में लिखा हुआ हो, टेबुलर फॉर्म में बोला है एक एम एक सेट है, पॉजिटिव नंबर का सेट है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल 2 का मतलब क्या, 2 1 2, 2 2 4, यानी उसका 2 का टेबल पढ़ लो वो है, और लेस देन 7 है तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 होगा, 2, 4, 6 ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, और आपको कहाँ तक जाना है, लेस देन 7 तक, तो 6 पे आप रुक जाओगे, क्योंकि 2, 4 तक करोगे तो वो 8 हो जाएगा, 8 तो लिखना नहीं है आपको, 7 से नीचे जाना है। तो मैं कहूँ एल सेट और एक एम सेट क्या ये आपस में इक्वल सेट है, क्यों, एल के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 2, 4, 6, एम के एलिमेंट क्या आएंगे, 2, 4, 6, तो इक्वल सेट के लिए ज़रूरी है कि दोनों के एलिमेंट की तादाद भी इक्वल हो। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, और इसमें एम में कितने एलिमेंट होंगे, 3, ये भी 3, और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, 2, 4, 6, 2, 4, 6, तब वो कहलाएगा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क समझ में आया, क्या फ़र्क है, इक्वल सेट में दोनों, इक्वल सेट्स के अंदर दोनों सेट्स में बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होनी चाहिए, यानी जो ये लिखा हुआ आप वही यहाँ पर लिख दो, कॉपी होनी चाहिए, समझ आई। 2, 4, 6 अगर एल के अंदर है तो एम के भी आंसर 2, 4, 6 ही निकलेगा, अगर इसमें 10 एलिमेंट हैं तो इस एम के अंदर भी 10 एलिमेंट ही होने चाहिए, और सेम होने चाहिए, जो जो एलिमेंट एल में चेंज नहीं होने चाहिए, तब वो कहलाएगा इक्वल सेट। जबकि इक्वल सेट में क्या होता है, दो सेट जिनके एलिमेंट अलग अलग हों, ये 1, 4, 6 से, ये ए बी से, लेकिन तादाद सेम होनी चाहिए, समझ आई। तो फर्क समझ में आया, इक्वल सेट्स और इक्वल सेट्स में फर्क समझ में बात आ गई।